Hello everyone, welcome to our channel Education Hotspot. So this is the first class in the paid classes of IGNOU MA Sociology and subject jo hai that is MSO2 Research Methodologies and Methods. अब ये फर्स्ट क्लास तो आई एम मेकिंग इट पब्लिक, यूट्यूब पे भी अवेलेबल रहेगी ये क्लास. फर्दर क्लासेस हम लोग पेड क्लासेस में कवर करेंगे. MSO2 पहले सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, बिकॉज बहुत से स्टूडेंट मुझसे कह रहे हैं ये सब्जेक्ट कंपैरेटिवली डिफिकल्ट है, इसमें प्रॉब्लम है. तो ट्रस्ट मी, ये सब्जेक्ट आपको बहुत ईजी लगने वाला है. सब्जेक्ट का नाम आप देखिए, रिसर्च मेथडोलॉजीज एंड मेथड. रिसर्च क्या होता है? रिसर्च, सर्च करना है किसी चीज को. री मतलब अगेन, किसी चीज को दोबारा सर्च करना है. मतलब देयर इज सम थ्योरी, देयर इज सम प्रोविजन, कोई बात है किसी चीज के बारे में लिखी हुई, आप उसको दोबारा से फैक्ट्स को फाइंड कर रहे हो. एंड देखो, जो भी हिस्ट्री में भी बात लिखी होती है, कोई भी बात होती है ना, सिर्फ तुक्के में नहीं. मैं कुछ बोल दूंगा क्या किसी बुक में रिकॉर्ड हो जाएगा? हिस्ट्री में या कहीं पे भी कुछ ना कुछ प्रूवन फैक्ट, स्टेटेड रिजल्ट, डेटा, कुछ ना कुछ जरूरी होता है. राइट, कुछ ना कुछ जरूरी होता है. सो रिसर्च इज समथिंग जो आप क्या कर रहे हो. डिफरेंट तरीके होते हैं कंडक्ट करने के, और वही तरीके इस पूरे सब्जेक्ट में हमें पढ़ने हैं. उसकी क्या मेथड्स है, किस क्या मेथडोलॉजीज हैं. बिल्कुल छोटे पे आप याद करो, कई बार 9, 10, 11, 12 क्लास में आपकी बुक होती थी, जब भी आप पढ़ते थे तो कुछ टेबल्स बनी होती थी, रेफर टेबल दिस या दिस इन दैट. 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग, सेंसस के अकॉर्डिंग, दिस इन दैट, इसके तरीके की बहुत सारी टेबल, कुछ पाई चार्ट बने होते थे. तो वो डेटा कभी ना कभी किसी ना किसी ने तो कलेक्ट किया होगा. ऐसा तो नहीं बैठ के, बस यही बैठ के चीजें बना दी हैं हम लोगों ने ऐसी तुक्का मार के. नहीं, किसी ना किसी ने वो फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करा होगा एंड आप उसको अपनी प्रोजेक्ट में, फाइल्स में यूज कर लेते थे आगे फर्दर. राइट, तो जब कोई पर्सन बिल्कुल फ्रेश डेटा कलेक्ट करता है तो उसे हम कहते हैं प्राइमरी डेटा, प्राइमरी सोर्स. इसके भी फर्दर टाइप होते हैं दैट वी विल डिस्कस कि वो कैसे कैसे कर सकता है. बट जब फर्स्ट हैंड फ्रेश इन्फॉर्मेशन ले रहा है वो पर्सन, ऑब्वियसली जब फर्स्ट हैंड ले रहा है, खुद जाके इंटरोगेट करेगा, इन्फॉर्मेशन लेगा, तो टाइम ज्यादा लगेगा. लेकिन ये टाइम ज्यादा लगेगा तो ये भी तो मानो कि भरोसा ज्यादा होगा, वैलिडिटी ज्यादा स्ट्रांग रहेगी, रिलायबल रहेगा डाटा. राइट, तो ये क्या हो जाता है, फर्स्ट हैंड फ्रेश इन्फॉर्मेशन. तो फायदे भी हैं इस डेटा के और नुकसान भी हैं. टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा हो जाएगा, हर बार सही रिजल्ट भी नहीं देता है. व्हाट इज अ गारंटी कि सामने वाला हमें सही बताएगा? झूठ भी तो बोल सकता है. फोन नंबर कितनी बार किसी सर्वे में हम लोगों ने गलत फिल करे होंगे. तो ये चीजें हैं ये. लेकिन जब फर्स्ट हैंड डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो होता है प्राइमरी डेटा. बाकी समटाइम जब कोई उसे यूज कर रहा है इन्फॉर्मेशन को अपने पर्पज के लिए, जैसे स्कूल तो डेटा रिकॉर्ड कर रहा है, वो प्राइमरी डेटा है, मार्क्स के लिए ये सब. बट कोई और थर्ड पर्सन आया जो देखना चाहता है कि आजकल के बच्चों में इंटेलेक्चुअल लेवल कितना है या करिकुलम के बेसिस पे कितना वो प्रेजेंट कर रहे हैं और नॉन करिकुलर जो एक्टिविटी है उनमें कितना कर रहे हैं. तो उसने स्कूल के अथॉरिटी से बात करी और वहां से डेटा निकलवा लिया कि हर क्लास की मुझे आप रिजल्ट दे दीजिए, उस रिजल्ट के बेसिस पे मैं अपनी रिपोर्ट प्रिपेयर कर लूंगी. तो क्या मैंने बच्चों के मार्क्स रिकॉर्ड करे? क्या मैंने बच्चों के मार्क्स कैलकुलेट करे? नहीं, एक ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा में से मैंने डेटा अपनी फर्दर एनालिसिस यूज रिपोर्ट के लिए यूज कर लिया. वो कैसा डेटा हुआ? सेकेंडरी डेटा. क्लियर? प्राइमरी, प्राथमिक और आपका होता है यहाँ पे सेकेंडरी, द्वितीयक डेटा हो गया. द्वितीयक आई थिंक वर्ड वैसे या नहीं होगा, कोई और ही वर्ड होगा, आई विल चेक एंड टेल यू हिंदी में क्या है प्रॉपर. तो प्राथमिक बिल्कुल प्राइमरी डेटा मतलब फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन मिल रही है. सेकेंडरी में फायदा है, देखो टाइम बच जाएगा, ज्यादा लोगों की इन्फॉर्मेशन कम टाइम में मिल जाएगी. बट वही अगेन रिलायबिलिटी का डाउट आएगा, ऑथेंटिक है या नहीं है. मान लो चार क्लास टीचर ने दे दिया, दो क्लास टीचर अब तक सबमिट ही नहीं कर पाई है, तो डिले हो जाएगा मेरा डेटा. तो ऐसे सब बहुत सारे रीजन हो सकते हैं जो प्रॉब्लमैटिक बन सकते हैं. तो ये होता है प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा. और ये जो पूरा सब्जेक्ट है ये इट इज ऑल अबाउट डेटा कलेक्शन, कि आप सामने वाले से डेटा कलेक्ट कैसे कर रहे हो. आप वहीं जाके रह के चीजों को ऑब्जर्व करके हमें बात बता रहे हो, यानी पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, या फिर अपने घर पे बैठ के चीजों को एनालाइज करके हमें चीजें बता रहे हो, दैट इज नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन. आप उन पर्सन का सर्वे करोगे, क्वेश्चनेयर, एक सेट ऑफ क्वेश्चन लेके उनसे क्वेश्चनेयर फिल करवाओगे, या फिर आप उनका इंटरव्यू लेके हमें चीजें बताओगे. सर्वे यूज करोगे या इंटरव्यू यूज करोगे, दोनों के क्या क्या फायदे नुकसान है ये आप हमें बताओगे. अलग अलग डेटा को डिफरेंट तरीके से स्टडी करा जाता है. तो कुछ कॉन्सेप्ट जैसे एथनोमेट मेथडोलॉजी, एम्पिरिसिज्म, ये वर्ड क्या होते हैं. समटाइम डेटा को अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे भी तो बनाया जाता है. जैसे कई बार मैंने कह दिया कि मैं एक्सपीरियंस के बेस पे आपसे ये बात कह रही हूँ कि ये चीज ऐसे ही होगी, ये चीज इसी पैटर्न में आएगी, ये क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जा सकता है. या स्टूडेंट जनरली ऐसा ही करते हैं, क्योंकि मैं इतने साल से स्टूडेंट को पढ़ा रही हूँ. तो एम्पिरिसिज्म वर्ड एक्सपीरियंस से रिलेटेड हो गया आपका. फिनोमेनोलॉजी का कॉन्सेप्ट,
तो ये सब चीजें आपकी जाती है एमएसओ टू सब्जेक्ट में। सब्जेक्ट का नाम क्या है? रिसर्च मेथोडोलॉजीज एंड मेथड। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक एक एक करके हम इस तरीके से मेथड्स ऑफ डेटा कलेक्शन में भी बहुत सारे टाइप्स है, पूरी बुक इसी के रिगार्डिंग है, कितने तरीके से डेटा कलेक्ट कर सकते हो और उनके फायदे क्या है, नुकसान क्या है। तो ये बुक पूरी, जैसे इंटरव्यू हो गया, क्वेश्चनेयर हो गया, सर्वे मेथड हो गया, पार्टिसिपेंट एंड नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन हो गया, एपिस्टेमोलॉजी एम्पिरिसिज्म का कॉन्सेप्ट हो गया, फेनोमेनोलॉजी का कॉन्सेप्ट हो गया, जिनमें से काफी सारी वीडियो यूट्यूब पे ऑलरेडी कवर है प्लेलिस्ट में। तो पेड क्लास के स्टूडेंट, आई होप आप लोगों ने यूट्यूब की वीडियोस पूरी प्लेलिस्ट देख ली होगी, नहीं देखी है तो प्लीज डू वॉच दैट, उसको आप आज एक दो घंटे लगा के कंप्लीट कीजिए। बाकी जो यूट्यूब स्टूडेंट हैं आप लोग भी पहले पूरी वो वीडियो प्लेलिस्ट को कवर कीजिए, कुछ टॉपिक आई ट्राई मैं आप लोगों को प्रोवाइड करा के चलूँ। बाकी पेड क्लासेस में तो आई कंप्लीट द थिंग्स, टॉपिक कवर करते हैं। मैंने बताया था नेट के एग्जाम की वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, वरना एक दिन में ज्यादा से ज्यादा वीडियो भी हम लोग कोशिश करते बढ़ा, या ऐसा नहीं है जीरो वीडियोस रहेंगी, काफी हद तक चीजें हम कवर करके चलेंगे, काफी हद तक आप लोगों को मैं कंसेप्ट बता के चलूंगी। आई चेक कि मैंने प्लेलिस्ट में क्या क्या कवर करा रखा है, तो अदर देन दैट आई सेलेक्ट सर्टेन मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक और उसको हम लोग पेड क्लासेस में कवर करेंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। एक इंट्रोडक्शन था अबाउट द सब्जेक्ट, अब वन बाय वन करके हम लोग इसको स्टार्ट करेंगे टॉपिक्स को। थैंक यू एवरीवन।